देश में जहां एक तरफ ज्ञान व्यापी काशी का विवाद गर्म होता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ राजनीतिक दल और नेता विवादित बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे। इसी बीच संभल जिले से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का एक विवादित बयान सामने आया है, जिसमें वो हालिया में ज्ञान व्यापी मस्जिद और काशी को लेकर सरकार पर तंज कसते नजर आए। उन्होंने अपने बयान में शिवलिंग से जुड़े सभी दावों को बेबुनियाद बताया, साथ ही क्या कहा जरा सुनिए। झूठ है, गलत है और ये गवर्नमेंट की पॉलिसी ये मुल्क के खिलाफ है और मुसलमान भी हम यहीं के रहने वाले हैं, यहीं रहेंगे, यहीं मरेंगे, यहीं जिएंगे। अगर मुसलमानों के साथ इस की पॉलिसी बरती गई और ये जगह जगह जो इस की नफरत फैलाई जा रही है तो इससे मुल्क को नुकसान होगा, हमें ही नहीं मुल्क को भी नुकसान होगा। मुल्क की यानी तरक्की के लिए और उसकी उन्नति के लिए ज़रूरत है इस बात की कि सब में एक जहती हो, मोहब्बत हो, मिलजुल कर काम करें। अरे भाई मुल्क की तरक्की के लिए काम कीजिए, ये तो नफरत फैला रहे हैं। आज की बनी हुई है कुतुब मीनार और ये ज्ञान व्यापी मस्जिद जो है तो आज की बनी हुई है, तो आज इसमें शिवलिंग निकल आया, ये बिल्कुल झूठे बातें हैं, झूठे प्रोपेगेंडे हैं, इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं सारे मुसलमानों से भी कहूँगा कि मुसलमान इस पर सरजोड़ कर बैठे और इसका अपने मुस्तकबिल के लिए और मुल्क के लिए सोचें। शिवलिंग कोई मस्जिद की सीलिंग नहीं कर सकता, हमारी जानें कुर्बान हो जाएंगी उस पर। सपा सांसद का कहना है कि ज्ञान व्यापी मस्जिद पर कब्जा बर्दाश्त नहीं, शिवलिंग को लेकर सभी दावे झूठे हैं। लेकिन हम किसे नेता चुनते हैं? उसे ही ना जो हमारे क्षेत्र का विकास करेगा, हमारी जरूरतों को पूरा करने में सहयोग देगा, ना कि उसे जो विवादित बयान देकर दो समुदायों में खूट पैदा करने की कोशिश करेगा। खैर, नेताओं का तो काम है आए दिन बस बड़े बोल बोल देना, राजनीतिक रोटियां सेकना। संभल से सरफराज अंसारी की रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।